यहाँ जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं, आपके जीवन में भी गौ माता बड़े काम की है। आप सोच रहे हैं कि गाय माता का हमारे पढ़ाई से क्या लेना देना है, तो गौ माता के रोम रोम में विद्या देवी का निवास है मेरे प्यारे भाई बहन। अगर गाय माता को चारा जिमा करके और गौ माता जी से प्रार्थना की जाए तो गौ माता आपको विद्या बुद्धि प्रदान भी कर सकती है। और जितने भी बच्चे बैठे हैं सब चाहते हैं कि पढ़ लिख के आगे बढ़ें। चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अब पढ़ाई करने के लिए आप सोचो कि बढ़िया स्कूल हो, बढ़िया किताब हो, बढ़िया गुरुजी हो। गुरुजी, पढ़ाई, स्कूल सब एक जैसा होता है, फिर भी एक बच्चा मेरिट में आता है और दूसरा फेल हो जाता है। क्यों? स्कूल तो एक ही था। क्योंकि पदार्थ तो गुरु दे रहे हैं, पात्रता हमारे भीतर होनी चाहिए। बरसात तो बराबर हो रही है, बारिश बरसने में भेद नहीं करती कि मेरे घर ज्यादा बरसेगी आपके घर कम बरसेगी, ऐसा होता है क्या? बरसात तो बराबर आती। मटके तीन रखे हैं ना, चार रख दो, एक मटका सीधा है, एक मटका टेढ़ा है, एक मटके में छेद है और एक मटका उल्टा है, पानी किस में आएगा? सीधे में आएगा, तीन में पानी आएगा, कितने में? तीन में आएगा, सीधे में भी आएगा, टेढ़े में भी आएगा और जिसमें छेद है उसमें भी आएगा। सीधे में पानी आएगा तो मटका पूरा भर जाएगा, टेढ़े में पानी थोड़ा कम आएगा, छेद वाले में पानी बराबर आता रहेगा लेकिन टिकने वाला नहीं है। माता इन टेंशन में आ गई कि छेद है तो भी पानी कैसे आएगा, आएगा तो है ही ना, निकल जाएगा। और जो उल्टा पड़ा है उसमें तो पानी आने वाला। तो पात्रता हमारे भीतर होनी चाहिए। बरसात बराबर होती है, पात्र हमारे हम होने चाहिए, श्रेष्ठ पात्र होना चाहिए। अब बच्चे जितने भी बैठे हैं, पात्रता लाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए दो चीजें चाहिए, तेज बुद्धि और आलस्य रहित शरीर। आलसी बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता और पढ़ाई नहीं कर सकता तो आगे नहीं बढ़ सकता। आलस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। अब पढ़ने के लिए आलस्य रहित शरीर चाहिए और आलस्य मिटाना है तो मेरे प्यारे बच्चों, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी गीता जी के महाभारत के रणांगन में खड़े होकर के गीता जी में कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य जैसा अन्न खाएगा उसका तन मन वैसा होता चला जाएगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा तन और तन। और गाय माताओं का दूध तो आज मिलता नहीं बच्चों को, डेयरी का या भैंस का दूध जो पी रहे हैं, गौ माता का जो पी रहे हैं, उनकी तो बुद्धि बड़ी तेज होगी। जिनको नहीं मिलता, जिनको भैंस का, जर्सी का, डेयरी का दूध मिलता है, फिर मेरे भाई बहनों गड़बड़ होती, क्योंकि भैंस तो एक नंबर का निहायत ही आलसी जानवर है। खा पी करके चारों पैर पसार के पड़ी रहती है, बैठी बैठी वहीं पेशाब करती रहती है और थोड़ी देर बाद उसी मूत्र में पूंछ डुबा के चारों तरफ घुमा के नहाना धोना भी कर लेती है। कि तो और गाय माता कभी बैठे बैठे मूत्र त्याग नहीं करती, गौ माता खड़ी होकर के मूत्र त्याग करती। तो जिस भैंस को पेशाब करने के लिए उठने में आलस आ रहा है, ऐसी भैंस का दूध पीने के बाद बच्चों को क्या आएगा? माताएं बहने कहती कि आजकल का झोरा झोरी तो उठे ही कौन है। तो दादी जी, गाय माता का बछड़ा गौ माता का दूध पीने के बाद उछल कूद मचाता है पूरे गांव में, और भैंस का पाड़ा एक कोने में पड़ा पड़ा नींद निकालता है। अगर गौ माता का दूध पिलाओगे तो बछड़े की तरह उठ जाएंगे और भैंस का पिलाओगे तो पाड़े की तरह पड़े रहेंगे। इसलिए गाय माता का दूध पिलाएं। जितने भी विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, आलस्य रहित शरीर चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, तो गौ माता का दूध सेवन करें। और बुद्धि बढ़ानी है तो भी, क्योंकि गौ माता की बुद्धि तो बड़ी तेज होती है। कोई भी अनजान गाय माता आए, आप रोटी जिमा लीजिए, दूसरे दिन उसी समय आपके दरवाजे पर आकर के खड़ी हो जाती है, इस भक्त ने मुझे रोटी जिमाई थी, और भैंस को तगारा भर के उबली के बालाजी से ला करके पेड़े खिला दो तो भी दोबारा दर्शन होने वाले। भूल जाती,
कहते हैं ना अक्ल बढ़िया, इसलिए तो बच्चों को अगर बुद्धि बढ़ानी है और अगर विवेक बढ़ाना है तो गौ माता का दूध पीना है, क्योंकि गौ माता के दूध में सेरिब्रोसाइड होता है, कैरोटीन होता है, विटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जो हमारे बुद्धि को बढ़ाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जो हमारे शरीर में स्फूर्ति लाते हैं। इसलिए गौ माता का दूध जो पीला होता है, स्वर्ण युक्त दूध होता है। कई बच्चे च्यवनप्राश खाते हैं, कोई बच्चे बॉर्नविटा पीते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन गाय माता का दूध पिया जाए तो प्राकृतिक स्वर्ण उसमें पाया जाता है, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान से गौ माता, गाय माता की रीढ़ की हड्डी में जो सूर्य केतु नाड़ी होती है, वह सूर्य नारायण की किरणों में से स्वर्ण तत्व लेकर के दूध में मिला देती है। इसलिए गाय माता के दूध का रंग पीला होता है मेरे भाई बहनों, और ऐसे पीले दूध को पीने से बुद्धि बढ़ती है, विद्या आती है। बच्चों से निवेदन है कि जो बुद्धि बढ़ाना चाहे गौ माता का दूध पिए, गाय माता की परिक्रमा करें और गाय माता की शरण ले लें, निश्चित रूप से बुद्धि भी बढ़ेगी। सत्यकाम नाम के बालक का प्रसंग आता है पुराणों में, जाबाल के पुत्र थे अगर, और पढ़ने के लिए गए लेकिन उनको उनका गोत्र पता नहीं था, तो गुरुजी ने गैया चराने भेज दिया और स्वयं नंदी बाबा ने उन्हें वेदों का उपदेश किया। और मेरे भाई बहनों, चारों वेदों का ज्ञान गौ माता की कृपा से सत्यकाम ने प्राप्त कर लिया। इसलिए अपने बच्चों को गौ माता का दूध पिलाइए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए, उन्नति करवाइए।